आज डाउटनेट आप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो स्टूडेंट्स, प्रश्न है इतर प्रोटीन या नॉन प्रोटीन कार्बनिक यौगिक जो सामान्यतया उत्प्रेरण के दौरान एको एंजाइम से अस्थायी संबंध बनाता है कहलाता है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं होलो एंजाइम की। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं होलो एंजाइम। यहाँ पर इसी की ही बात हो रही है स्टूडेंट्स। होलो एंजाइम को पूर्ण एंजाइम भी कहा जाता है। तो हम यहाँ लिख लेते हैं पूर्ण एंजाइम स्टूडेंट्स। तो होलो एंजाइम या पूर्ण एंजाइम जो होता है यह दो भागों से मिलकर बना होता है। एक तो होता है प्रोटीन भाग, तो लिख लेते हैं एक तो है स्टूडेंट्स प्रोटीन भाग, और दूसरा भाग जो है ये होता है अप्रोटीन या नॉन प्रोटीन भाग से कहा जाता है। तो लिख लेते हैं अप्रोटीन या नॉन प्रोटीन भाग, अर्थात यह प्रोटीन नहीं होता है। प्रोटीन भाग जो होता है इसे कहा जाता है, इसे कहते हैं स्टूडेंट्स एपो एंजाइम। तो हम लिख लेते हैं प्रोटीन भाग को एपो एंजाइम के नाम से जाना जाता है, एपो एंजाइम। और जो अप्रोटीन भाग है इसे कहा जाता है सहकारक या इसे को फैक्टर के नाम से जाना जाता है। सहकारक जो है मुख्यतः तीन प्रकार के होते हैं, जैसे कि सह एंजाइम, प्रोस्थेटिक समूह और सक्रियक या धातु आयन होते हैं। तो यहां पर क्या दिया गया है, इतर प्रोटीन या नॉन प्रोटीन कार्बनिक यौगिक सहकारक जो है यह क्या है स्टूडेंट्स, यहां पर बताया गया है कि यह क्या है, यह एक कार्बनिक यौगिक है। और आगे की ओर बताया गया है जो सामान्यतया उत्प्रेरण के दौरान एपो एंजाइम से अस्थायी संबंध बनाता है। तो यहां लिख लेते हैं यह क्या है, एपो एंजाइम से अस्थायी संबंध। तो लिख लेते हैं यहां पर अस्थायी संबंध बनाता है, अर्थात ढीला ढाला जुड़ा होता है, बनाता है, अर्थात इसे यदि अलग किया जाए तो दोबारा अलग हो सकता है और दोबारा जुड़ भी सकता है। तो ये क्या होता है, यह ढीला ढाला संबंध होता है सहकारक का। तो इस प्रकार का जो सहकारक होता है जो कि कार्बनिक यौगिक है और एपो एंजाइम से ढीला ढाला बंधा होता है, तो इसे कहा जाता है सह एंजाइम। तो लिख लेते हैं यह क्या होगा, यह होता है सहकारक का एक रूप जिसे कि सह एंजाइम कहा जाता है। और यदि उदाहरण के तौर पर समझे तो उदाहरण जो है इनके हो जाएंगे एनएडी अर्थात निकोटिनामाइड एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड, एफएडी हो जाएगा फ्लेविन एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड, और इसके बाद स्टूडेंट्स एनएडीपी हो सकता है निकोटिनामाइड एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट, और को एंजाइम ए भी हो सकता है स्टूडेंट्स। ये सारे सह एंजाइम के उदाहरण है। तो स्टूडेंट्स देख लेते हैं ऑप्शंस की ओर, ऑप्शन ए दिया गया है सह एंजाइम, बिल्कुल सही उत्तर है स्टूडेंट्स। यह जो सहकारक है या फिर इतर प्रोटीन नॉन प्रोटीन कार्बनिक यौगिक जो सामान्यतया उत्प्रेरण के दौरान एपो एंजाइम से अस्थायी संबंध बनाता है, तो यह क्या है, यह सह एंजाइम होता है। ऑप्शन हम बी देख लेते हैं प्रोस्थेटिक समूह जो है यह भी एक सहकारक ही होता है, परंतु लिख लेते हैं सबसे पहले यह क्या है, यह भी एक कार्बनिक यौगिक है स्टूडेंट्स, और परंतु यह क्या होता है कि ये एपो एंजाइम से दृढ़ता से बंधा रहता है। तो लिख लेते हैं एपो एंजाइम से दृढ़ता से, अर्थात हम कह सकते हैं स्थायी रूप से बना रहता है, दृढ़ता से बंधा होता है। जबकि जो सह एंजाइम है यह ढीला ढाला बंधा होता है। तो ये हमारा ऑप्शन जो है क्या होगा, गलत होगा। ऑप्शन सी दिया गया है धातु आयन जो है ये सबसे पहले तो होते हैं अकार्बनिक, तो लिख लेते हैं ये अकार्बनिक होते हैं, ये सैकेरिक के रूप में जाने जाते हैं, तो ये हमारा ऑप्शन जो है गलत होगा। ऑप्शन डी दिया गया है रोग उत्पन्न करने वाले जो कारक होते हैं वे रोग कारक कहलाते हैं, तो यहां पर इसकी बात नहीं हो रही है, तो ये ऑप्शन जो है गलत होगा। ऑप्शन हमारा ए जो है बिल्कुल सही उत्तर है। कक्षा 6 से 12 से लेकर नीट IIT JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400400400 पर।